प्रॉब्लम नंबर 27। टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1.21, एक का लेंथ आपको दे रखा है इतना, दूसरे का लेंथ दे रखा है 1 मीटर, स्टार्ट वाइब्रेट एट सम इंस्टेंट, द टू आर इन द मीन पोजिशन इन सेम फेज, मीन पोजिशन से करें सेम फेज में, आफ्टर हाउ मेनी वाइब्रेशन ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम द टू विल बी इन फेज। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g, यहां पर लेंथ चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल लिख सकते हैं। तो t1/t2 जो होगा वो क्या आएगा, √L1/L2। एल वन का वैल्यू आपको गिवन है 1.21 और 1, क्या हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे 100, तो क्या आ जाएगा t1/t2 इज इक्वल टू कितना हो गया 11/10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan को उधर ले जाएं तो tan t1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 11t2। ठीक है, तो हमारे यहां पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी वाइब्रेशन ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम, लॉन्गर पेंडुलम यानी वन वाला है, ठीक है, द टू विल बी इन फेज, टू विल बी इन फेज। नेक्स्ट आपको बताना है, ये 10 और 11 पर तो हमारे पास आ गया यहां, ये 10 है तो ये 11 यानी से एक ज्यादा है, अगर ये n मान लें तो nt1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n+1t2 हो जाएगा। ठीक है, अब n अपॉन, अब हमें यहां t1 t2 की वैल्यू दी गई है, तो हम यहां पर क्या करते हैं n+1/n इज इक्वल टू क्या आएगा t1/t2, t2 नीचे n इधर, तो n+1 इससे हम n की वैल्यू निकालेंगे, t1/t2 कितना दे रखा है 11/10, ये 11/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा tan n+10 इज इक्वल टू 11n, ये उधर ले जाकर माइनस, तो 11n-10n इज इक्वल टू 10, तो यानी n इज इक्वल टू 10, यानी किस पर आपके पास होगा 10, यानी क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए।